इस समय सुजुक एक पंचर क्लिनिक में हमारे रेवान जी बैठे हुए, हमारे नमस्ते नमस्ते जी, हमारे पेशेंट हैं। देखा जाए तो साइनस बोलते हैं, उनका पेशेंट है। और आज करीब करीब 16 दिन हो गया, 16 सिटिंग हो गया उनका इलाज करते हुए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि रेवान जी का कैसा रहा है इधर, जो फीडबैक और उनका जो भी पहले डॉक्टर ने उनको जो भी सजेशन दिया था, उन्होंने जो भी अपना रिपोर्ट लिया था, और उनका प्रॉब्लम था कब से था, क्या सिचुएशन आया यहाँ पे सुजुक एक पेंचर थेरेपी हम तक पहुँचने का, कैसे उनको ऐसा स्थिति आया, वो थोड़ा सा बताएंगे आप थोड़ा सा। हाँ जी सर। सर मेरे को 9th of September में काफ़ी इंटेंस हेडेक हो रहा था नाक में, तो मैं भद्रा हॉस्पिटल के ईएनटी बत्रा डिपार्ट हॉस्पिटल हाँ जी ईएनटी बद्रा हॉस्पिटल के ईएनटी डिपार्टमेंट में गया न्यू था। दिल्ली में। हाँ जी, तो उनने मुझे पहले तो 5 5 डेज का एंटीबायोटिक कोर्स दिया था। अच्छा उसके बाद उनने मेरे को एक एक्सरे प्रिस्क्राइब किया था। तो जब मैंने एक्सरे कराया तो एक्सरे में यहाँ पे हेजीनेस दिखाई दी है, हेजिनेस म्यूकस म्यूकस हाँ म्यूकस अन बिल्डअप आया क्लोज था। जो जो हाँ है जैसे कहते हैं जो डटी हाँ वो जी आया है म्यूकस। हाँ हाँ जी, तो उनने मेरे को डॉक्टर ने एक्सप्लेन करा कि म्यूकस बिल्डअप आपके इन्फेक्शन की वजह से है। जो आपके इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ था उसकी वजह से म्यूकस बिल्डअप हो गया है, और अगर ये म्यूकस बिल्डअप और होगा तो उसमें इन्फेक्शन होना ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल तो उसके बाद उनने एक्सरे दे देख के मुझे इसका एक ही इलाज बताया था कि इसका एक नॉन इन्वेजिव वो होता है क्लिनिक प्रोसीजर। नॉन इन्वेजिव मतलब कोई काटा दाड़ी नहीं होगी, सिर्फ तो उसका यहाँ से एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है। इस नाक से कैमरा डाल के वो क्लीन क्लीन कर देते हैं, और दूसरी नाक से। ओके बट मेरे घर पे मेरी बहन बहन को भी अस्थमा साइनस की प्रॉब्लम, मेरी मम्मी को भी है, मतलब बहुत टाइम हो गया उनको। तो उन्हें बोला था कि इससे फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा बिल्डअप हो जाता है, और वो इस सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन भी बहुत आते हैं कि क्योंकि ये जो आई वाला पॉइंट है आपके आँख के बहुत पास है, सर के बहुत पास है, तो बहुत सेंसिटिव पार्ट है, इसको छेड़े अगर गलती से कुछ कॉम्प्लिकेशन होगी तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो मेरी कॉलोनी में मेरी मॉम की फ्रेंड है, वो माइग्रेन के लिए आपके पास आती थी, तो उनने मुझे सजेस्ट करा था कि आप एक बार ट्राई कर लीजिए। तो मुझे जब मैंने कराया तो मुझे 2nd डे के बाद ही थोड़ा बहुत फर्क होना फील होना शुरू हो गया अच्छा था। सेकंड डे में ही आपको इस थोड़ा गैंग पेंचर। हेडेक जो हेडेक में को इंटेंस होता था हाँ उसमें काफी थोड़ा आराम मिला, और अराउंड आई गेस 6 या 7 थेरेपीज के बाद नाक बहुत खुलनी शुरू हो गई थी, जी जी और 10 या 12 थेरेपी के बाद ऑलमोस्ट मेरी नाक क्लियर थी। क्लियर। हाँ, अब तो सीजनल एलर्जीज वैलर्जी है, लेकिन वो जो साइनस की प्रॉब्लम थी म्यूकस बिल्डअप था, आई गेस वो कम्प्लीटली